मिशन इंद्रधनुष के तहत ऐसे हितग्राही जिन्हें आंगनबाड़ी के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने प्रयास किया जाता है। छूटे हुए हितग्राहियों को टीका लगाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई चरोदा में शिविर लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ भिलाई चरोदा निगम के वार्ड 10 जय हिंद क्लब में निगम महापौर निर्मल कोसरे व सभापति कृष्णा चंद्राकर के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को किया गया। इस अवसर पर महापौर व सभापति ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इसे लेकर स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि छूटे हुए बच्चों व गर्भवती माताओं को इस अभियान में शामिल किया गया है। भारत सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को दुर्ग जिले में चलाया जा रहा है। इसका लाभ प्रत्येक शिशुओं को जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है अथवा ऐसी माता जो गर्भवती हैं जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है, इस सघन अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा टीका लगाया जाएगा। वहीं सभी इसका लाभ उठाकर दूसरे छूटे हुए लोगों को इसकी जानकारियां दें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का दुर्ग जिले का चयन किया गया था, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3-14 के अंतर्गत जय हिंद क्लब में आज इस शिविर का उद्घाटन महापौर निर्मल कोसरे जी, अध्यक्षता सभापति कृष्णा चंद्राकर जी और MIC मेंबर स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी देव कुमारी भल्लावी जी और इस पार्ट के पार्षद गुरुचरण सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। और यहाँ पे हितग्राहियों को विटामिन ए भी पिलाया गया, छूटे हुए हितग्राहियों को टीका लगाया गया, छूटी हुई गर्भवती माताओं को टीका लगाया जो ड्यू लिस्ट में शामिल थे। इसका उद्देश्य ये है कि लगातार 7 दिन तक के प्लान बना के विभिन्न वार्डों में हम छूटे हुए ऐसे बच्चे जिनका नियमित टीकाकरण सत्र में किसी कारणवश से वो टीका लगाने से वंचित हो गए थे, 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 9 महीने और 1.5 साल के जो बच्चे उम्र पार कर चुके थे उनको इस टीकाकरण में शामिल करके उनका छूटे हुए डोज को पूरा करना। ऐसी गर्भवती माता जिन्होंने किसी कारणवश कार्य के काम काज में या बिल्डिंग मटेरियल काम में रोजी मजदूरी में बाहर चले गए, अपने गर्भवती का टिटनस का टीका फर्स्ट डोज लगाने के बाद सेकंड डोज नहीं लगाई हो या दोनों डोज नहीं लगाई हो, तो ऐसे भी हितग्राही को यहाँ पर टीका लगा के उनको आयरन फोलिक एसिड और उनकी जाँच करके इसका लाभ दिया जाए। कोई गर्भवती माता हमारी छूटे ना और कोई शिशु 0 से 2 ईयर्स का टीकाकरण से वंचित ना रहे, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य। इंद्रधनुष 4.0 ये भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की समन्वित योजना है, जिसके अंतर्गत ऐसे गर्भवती माताएं, ऐसे बच्चे जो टीकाकरण नियमित टीकाकरण जो होता है नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं, ऐसे लोगों का 1 सप्ताह के अंदर विशेष कार्यक्रम छूटे हुए इस अवसर पर वार्ड पार्षद व स्थानीय जनप्रतिनिधि और भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे सहित स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।